जानिए है देश दुनिया की बड़ी खबर, हिट द बेल आइकन एंड नेवर मिस अ वीडियो फ्रॉम लहरे न्यूज। विजय माल्या के किंग फिशर विला के नए मालिक एक्टर व बिजनेसमैन सचिन जोशी शुक्रवार की रात मुंबई लौट आए। इस मौके पर मीडिया ने उनसे किंग फिशर विला की डील के बारे में बात करने की कोशिश की, लेकिन सचिन जोशी ने मीडिया से कोई बातचीत नहीं की। सचिन जोशी रियल एस्टेट से लेकर कई कंपनियों के समूह के मालिक हैं, जिन्होंने हाल ही में विजय माल्या के बंगले किंग फिशर विला को 73 करोड़ रुपए में खरीदा है। गौरतलब है कि कर्ज वसूली के तहत बैंकों ने इस विला को 3 बार बेचने का प्रयास किया था, लेकिन ये बिक नहीं पाया था। गोवा समुद्र किनारे बने इस विला को अक्टूबर 2016 में पहली बार बेचने की कोशिश की गई थी, लेकिन तब इसका रिजर्व प्राइस करीब 85 करोड़ रुपए था और इसीलिए कोई खरीदार सामने नहीं आया। इसके बाद दिसंबर में इसका प्राइस घटाकर 81 करोड़ रुपए कर दिया गया। बैंकों के ग्रुप ने बाद में इसका प्राइस 73 करोड़ कर दिया। पहले ऑक्शन में हालांकि ये नहीं बिक पाया, लेकिन बाद में एक प्राइवेट डील के तहत इस शानदार विला को सचिन जोशी की कंपनी ने खरीदा। ब्यूरो रिपोर्ट, लहरे न्यूज़।